हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको 41 क्वेश्चन जो है डिस्कस करवाए हुए हैं, जो बेसिक्स जो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के, DSS के, स्टील के बेसिक कुछ क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज की क्लास जो है वो कनेक्शन बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम लोग जो है रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर जो है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC एग्ज़ाम के असिस्टेंट इंजीनियर में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 सभी एग्ज़ाम के लेवल से क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जिसमें पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। होल डायमीटर इन द बेस प्लेट सेल नॉट एक्सीड द एंकर बोल्ट डायमीटर बाय मोर देन। होल डायमीटर जो है बेस प्लेट के अंदर वो कितने mm से बोल्ट डायमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होल डायमीटर इन बेस प्लेट शुड नॉट बी एक्सीड 6 mm बोल्ट डायमीटर, ठीक है। तो आंसर विल बी 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फास्टनर आर स्टैगर्ड, यदि हम लोग जो हैं फास्टनर यूज़ कर रहे हैं और वो स्टैगर्ड में यूज़ हुआ है, स्टैगर मतलब एक इस तरफ ऐसे जो है स्टैगर्ड फास्टनरिंग है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्टैगर्ड है। एट इक्वल इंटरवल, और उनका स्पेसिंग जो है इक्वल है, एंड गेज डज नॉट एग्जीड 75 mm, द स्पेसिंग बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर मे बी इंक्रीज बाई। इन केस ऑफ स्टैगर्ड फास्टनर, यदि हम लोग जो है स्टैगर्ड फास्टनर यूज़ कर रहे हैं और वो इक्वल इंटरवल पे लगाए गए हैं, जिसमें गेज जो है 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तो दोनों जो फास्टनर हैं उसके बीच की स्पेसिंग को हम लोग जो है 50% तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवेट, द रिवेट विच इज हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड आर नोन एज। ऐसा रिवेट जिसको हमने जो है पहले हीट किया और उसके बाद हम जो है उसको फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। क्या बोलते हैं? पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ रिवेट इज स्पेसिफाई बाय, तो रिवेट की जो साइज है वो उसके सैंक डायमीटर से जो है पता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन, यदि ऐसा रिवेटेड कनेक्शन है जिसके अंदर इसेंट्रिक लोडिंग लग रही हो, इफ़ द प्लेन ऑफ ए लोड इज लेइंग इन द सेम प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप, ऑल द रिवेट इन द रिवेट ग्रुप आर सब्जेक्टेड टू। लोडिंग जो प्लेन है वो रिवेट ग्रुप के प्लेन में लग रहा हो, तो सभी रिवेट जो है वो किस प्रकार से लोडिंग सब्जेक्टेड होगा, सभी रिवेट में किस प्रकार की लोडिंग लगेगी, सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट आने वाला है, बेंडिंग मोमेंट ओनली, सीयर फोर्स एंड ट्विस्टिंग मोमेंट बोथ। तो उन सभी ग्रुप के अंदर जितने भी रिवेट्स लगे हैं, रिवेट ग्रुप के अंदर सीयर फोर्स और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बोल्टेड गैजेटेड बेस प्लेट क्रिटिकल सेक्शन फॉर डिज़ाइन ऑफ थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज कंसिडर एट। बोल्टेड गजेटेड बेस के अंदर क्रिटिकल सेक्शन जो है बेस प्लेट की थिकनेस को कहाँ पर कंसीडर की जाती है, एज ऑफ द कॉलम, कॉलम के एज पे, आउटर एज ऑफ द गजेट प्लेट, गजेट प्लेट के आउटर एज पे, सेंट्रॉइड ऑफ द गजेट प्लेट, गजेट एंगल के सेंट्रॉइड में, या रूट ऑफ द फिलेट ऑफ ए गजेट प्लेट, कि गजेट प्लेट के फिलेट के रूट के पास। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, एट द रूट ऑफ द फिलेट ऑफ गजेट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट टेंसाइल एरिया ऑफ थ्रेटेड बोल्ट
एट द रूट ऑफ द थ्रेड इज़ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द ग्रॉस एरिया। तो पूछा है कि थ्रेड एरिया जो है नेट टेंसाइल एरिया ऑफ थ्रेडेड बोल्ट इज़ 10% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, तो ए एरिया ऑफ थ्रेड बराबर 78% ऑफ एरिया ऑफ द ग्रॉस। तो ग्रॉस एरिया का 78% जो है वो थ्रेड एरिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ बोल्ट होल फॉर 24 mm नॉमिनल डायामीटर इज़। 24 mm नॉमिनल डायामीटर के लिए बोल्ट होल की साइज़ क्या होगी? तो दोस्तों, बोल्ट होल की साइज़ जो है आपको ध्यान रखना है, यदि 14 mm तक बोल्ट है तो उसमें +1 करना है, 24 mm तक बोल्ट है तो +2 करना है। ठीक है, और यदि 24 से ज़्यादा है तो आप जो है उसके अंदर +3 करेंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 26। 24 mm जो है बोल्ट, इसका मैं आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दे देता हूँ कि बोल्टेड कनेक्शन के अंदर जो है आपका, यदि बोल्ट डायमीटर जो है 25 mm से कम है, ठीक है, यदि 25 mm से कम है तो 1.5 mm आप ऐड करेंगे। ठीक है, बोल्ट की बात कर रहे हैं, रिवेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि लेस देन 25 है, डायमीटर यदि 25 या फिर उससे लेस है, ठीक है, तो आप जो है उसको 1.5 mm यूज़ करेंगे। सॉरी, ये तो रिवेटेड का कंसिड्रेशन है, 25 mm से कम है तो बोल्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। बोल्ट के लिए आपको क्राइटेरिया है 14, 24, ठीक है, ये याद रखिएगा, 14 से कम है तो 1 ऐड करिए, 14 से 24 के बीच में है तो 2 ऐड करिए, और 24 से अबो है तो 3 ऐड कर लीजिए। तो आंसर विल बी 26 mm। तो इस तरीके से आप जो है बोल्ट के सभी कंसेप्ट को याद रखिएगा। 12 से 14 mm के बीच में रहेगा तो 1 ऐड करेंगे, 16 से 24 mm के बीच में रहेगा तो 2 ऐड करेंगे, और 24 से ज़्यादा है तो 3 ऐड करेंगे। एक बार आप जो है याद रख लीजिएगा कि 12 से 14 mm के बीच में यदि बोल्ट का डायमीटर है तो होल्ट के डायमीटर के लिए +1 करेंगे, इसके बाद यदि 16 से 24 के बीच में है तो +2 ऐड करेंगे, और 24 से ज़्यादा है तो आप जो है +3 ऐड करेंगे। तो 24 होगा तो +2 ऐड करना है, तो आंसर विल बी 26 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर एज क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइनिंग द बोल्टेड ज्वाइंट विथ एक्सली लोडेड मेंबर। इसमें से कौन सी क्राइटेरिया जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं व्हाइल डिज़ाइनिंग बोल्टेड ज्वाइंट विथ एक्सली लोडेड मेंबर। तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ज्वाइंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल टू सेव द मटेरियल ऑन कवर प्लेट एंड गजट प्लेट। तो ज्वाइंट की लेंथ जो है जितना पॉसिबल हो सके उतना हम लोग कम रखते हैं, जिससे मटेरियल की सेविंग हो सके कवर प्लेट में और गजट प्लेट में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑन ऑप्शन बी बोल रहा है कि सेंटर लाइन ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट द ज्वाइंट शुड बी कोइंसाइड एट वन पॉइंट ओनली। सेंटर लाइन जो है सभी मेंबर के एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, ये भी सही है। द रिडक्शन इन द एरिया ड्यू टू बोल्ट होल कैन बी मिनिमाइज बाई अरेंजिंग द जिग जैग मैनर। तो बोल्ट होल की जो एरिया है उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द बोल्ट शुड बी डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द ज्वाइंट। तो ये गलत है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ज्वाइंट के पास जो है नंबर ऑफ बोल्ट हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज्वाइंट के पास जो है लोडिंग ज़्यादा आती है। डायामीटर ऑफ द बोल्ट होल इज़ यूजली टेकन एज बोल्ट होल का डायामीटर जो है ग्रॉस डायामीटर ऑफ बोल्ट कंसिडर करेंगे, नॉमिनल डायामीटर +1.5 mm,
नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm, या फिर तो बोल्ट होल के लिए हम लोग नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm करते हैं। डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज टेकन एज ए नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बोल्ट की बात कर रही है, बोल्ट होल की बात कर रही है, तो या तो 1 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो बाकी ये तीनों हम ऐड नहीं करते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइन ऑफ फास्टनर ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ लोड और स्ट्रेस इन द स्टील कनेक्शन इज नोन एज। अब बोल रहा है कि ये दो बोल्ट आपने लगा दिया है, दो बोल्ट की स्पेसिंग, अब मान लीजिए यहाँ से ये प्लेट आपने ज्वाइंट किया, तो दो बोल्ट की स्पेसिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गेज। यदि दो बोल्ट की स्पेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो पिच कहलाता है, और यदि अपोजिट मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ लोड है तो उसको बोलते हैं गेज। फॉर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस रिवर्सल के लिए मोस्ट सूटेड बोल्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बोल्ट कौन सा है, ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, या टर्न बोल्ट। तो आंसर विल बी हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हम लोग जो हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन इफ द प्लेन ऑफ लोड इज लेइंग इन सेम प्लेन ऑफ रिवेटेड ग्रुप ऑल द रिवेट इन द रिवेट ग्रुप आर सब्जेक्टेड टू। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर विल बी शियर फोर्स एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट शैल नॉट एग्जीड। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट, कोई भी दो आजू बाजू के जो रिवेट लगे हैं उसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी 300 mm। बोल्टेड कनेक्शन पायरिंग फोर्स इंड्यूस इन ए बोल्ट आर मेनली ड्यू टू, बोल्टेड कनेक्शन के अंदर पायरिंग फोर्स जो है आ जाता है वो फोर्स किसकी वजह से आता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर, बेंडिंग ऑफ ए लॉन्ग बोल्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए कनेक्टेड प्लेट, या ब्लॉक शियर फेलियर इन प्लेट। तो आंसर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट, स्टैगर्ड बोल्ट होल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील टेंशन मेंबर ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इंक्रीज इफ द गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल डैश और स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द लाइन ऑफ बोल्ट होल इज डैश। बोल रहा है कि इन केस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट होल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील टेंशन मेंबर ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इंक्रीज, डिजाइन स्ट्रेंथ इंक्रीज किस केस के अंदर होगी, इफ द गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल, तो बोल्ट होल के बीच के अंदर जो गेज लेंथ है उसको हम रिड्यूस करेंगे और स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द लाइन ऑफ होल उसको बढ़ाएंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। यदि जो है गेज लेंथ दो बोल्ट होल के बीच में जो गेज लेंथ है उससे जो है रिड्यूस करेंगे तो जो है आसानी से वो स्ट्रेंथ जो है वो ले सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट IS 1367 Part 3 Grade 8.8 यील्ड स्ट्रेस FY विल बी, तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 8 × 64 तो 640 Newton per mm square। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इसेंट्रिक कनेक्शन वेन द एक्सिस ऑफ लोड इज लेइंग इन ए प्लेन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू। इसेंट्रिक कनेक्शन के अंदर जब लोड एक्सिस ऑफ लोड इज लेइंग इन प्लेन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, तो बोल्टेड ज्वाइंट के प्लेन में लग रही हो एक्सिस, लोड की जो एक्सिस है मतलब जिस एक्सिस पर लोड लग रहा है वो बोल्टेड ज्वाइंट के प्लेन में है, तो बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू,
शीयर फोर्स और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों आता है, तो आंसर यहाँ पे ओनली शीयर फोर्स आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट का आंसर नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड प्लेट अंडर टेंशन एन एडिशनल फोर्स इज इंड्यूस इन ए बोल्ट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। तो बोल्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से एक एडिशनल फोर्स जनरेट हो जाता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं पायरिंग एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंट एज डिस्टेंस। इसमें से कौन से फेलियर, फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट कैन बी अवॉइडेड, कौन से फेलियर को हम अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंट एज डिस्टेंस। सफिशियंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके फेलियर, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, शीयर फेलियर ऑफ बोल्ट, शीयर फेलियर ऑफ प्लेट या टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट। तो आंसर आपका आ जाएगा शीयर फेलियर ऑफ प्लेट। तो प्लेट के शीयर फेलियर को हम लोग सफिशियंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके रोक सकते हैं। व्हेन द मोमेंट रेजिस्टेंस बोल्टेड कनेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड लेइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट इट कॉजेस। जब मोमेंट रेजिस्टिव बोल्टेड कनेक्शन है और उसके अंदर इसेंट्रिक लोडिंग भी आ रही है, तो उस समय बोल्ट ज्वाइंट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ओनली टेंशन इन बोल्ट, ओनली शीयर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बोल्ट, बेंडिंग एंड टेंशन इन बोल्ट, टेंशन एंड शीयर इन द बोल्ट। आंसर विल बी ऑप्शन डी, टेंशन एंड शीयर इन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है बियरिंग के अंदर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, लेंथ ऑफ द बोल्ट एंड पिच डिस्टेंस। तो आंसर विल बी लेंथ ऑफ बोल्ट, लेंथ ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट कैन बी यूज फॉर। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो है स्लिप रेजिस्टिव कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बियरिंग टाइप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सीयर टाइप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सीयर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन एंड बियरिंग टाइप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एंकर बोल्ट इन द कॉलम बेस इज टू। एंकर बोल्ट का क्या पर्पस है? इज एक्ट एज ए रिइंफोर्समेंट इन द कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रल। तो सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि एंकर बोल्ट जो है वो रिइंफोर्समेंट का काम नहीं करता है, तो स्टेटमेंट वन जो है वो गलत हो गया। टू रेजिस्ट द टेंशन फोर्स, टू कीप द कॉलम इन ए प्लेस। तो कॉलम को बांध के रखेगा और टेंशन फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फास्टनर इन ए गैजेटेड बेस प्लेट आर डिज़ाइन फॉर। गैजेटेड बेस प्लेट के अंदर जो फास्टनर है उसकी डिज़ाइन करते हैं 25% ऑफ कॉलम लोड, 50% ऑफ कॉलम लोड, 75% ऑफ कॉलम लोड या 100% ऑफ कॉलम लोड। तो आंसर विल बी 50% ऑफ कॉलम लोड। तो फास्टनर की डिज़ाइन गैजेट प्लेट के अंदर कॉलम लोड का 50% ले सके, इसके लिए डिज़ाइन करते हैं। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इज एसेस्ड फ्रॉम। बेस प्लेट की जो थिकनेस है वो कैसे मेजर किया जा सकता है? शीयर कैपेसिटी ऑफ ए प्लेट, फ्लेक्चरल कैपेसिटी ऑफ प्लेट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, टू वे शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट जो है वो जुड़ा हुआ है फ्लेक्चरल कैपेसिटी ऑफ द प्लेट, प्लेट के फ्लेक्चरल कैपेसिटी से थिकनेस का कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस डायामीटर
एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर ए रिवेट अप टू 25 mm इज़, तो उसके लिए हो जाएगा 1.5 mm। तो रिवेट के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि 25 mm या 25 mm से कम है तो होल डायमीटर कितना हो जाता है, डायमीटर प्लस 1.5, और यदि 25 mm से ज़्यादा है तो प्लस 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस इन रोल्ड सेक्शन में रीच। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए रोल्ड सेक्शन कितना होगा, तो आंसर विल बी 0.3 FY और 0.5 FY। क्वेश्चन नंबर 71, मिनिमम पिच इन द रिवेटेड ज्वाइंट शुड नॉट बी। रिवेटेड ज्वाइंट के अंदर मिनिमम पिच जो है कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इज लेस देन 200, मोर देन 200, ग्रेटर देन 2.5 टाइम द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, लेस देन 25 टाइम द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी कि मिनिमम पिच जो है शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 2.5 टाइम नॉमिनल डायमीटर तो होनी चाहिए, मतलब शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैजेट प्लेट आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट। गैजेट प्लेट जो है एक उसकी डिज़ाइन टोर्सन एंड बेंडिंग के लिए करते हैं, सीयर के लिए करते हैं, सीयर और बेंडिंग दोनों के लिए, सीयर बेंडिंग और टोर्सन तीनों के लिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीयर एंड बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिवेट हेड इज। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिवेट हेड कौन सा है, स्नैप हेड, पैन हेड, फ्लैट हेड और ऑल ऑफ द बोथ। आंसर विल बी स्नैप हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्ट आर मोस्ट सूटेबल टू कैरी। बोल्ट की डिज़ाइन जो है किसके लिए करते हैं, इज यूज टू टेक सीयर फोर्स, बेंडिंग फोर्स, सीयर और बेंडिंग बोथ या एक्सियल टेंशन। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, एक्सियल टेंशन। डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग इन इज बेनिफिशियल ओवर चैन और स्टैगर्ड बोल्टिंग बिकॉज। डायमंड पैटर्न ऑफ बोल्टिंग जो है वो चैन और स्टैगर्ड बोल्टिंग से ज़्यादा सूटेबल या बेनिफिशियल होता है, क्यों, क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, इट हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट शेप आपको दिया हुआ है, सोन इन द अबो इज नोन एज। अब ये जो रिवेट है ये इस रिवेट को क्या बोलेंगे, पैन शेप रिवेट, स्नैप शेप रिवेट, फ्लैट काउंटर रिवेट या राउंड काउंटर रिवेट। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, फ्लैट काउंटर शंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट कनेक्टिंग द मेंबर सब्जेक्टेड टू द आइदर कंप्रेशन और टेंशन एग्जीड द मैक्सिमम पिच, then additional rivet which are not subjected to calculated stress are used are known as, इसको हम लोग बोलते हैं taking rivet। कौन सा rivet बोला जाएगा, taking rivet। तो taking rivet का कोई काम ज़्यादा होता नहीं है, वो किसी भी stress को लेने के लिए helpful नहीं होती है, वो खाली support के लिए provide करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डी इज़ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट एंड पी इज अ पिच ऑफ ए रिवेटेड ज्वाइंट। यदि डी जो है वो ग्रॉस डायमीटर और पी जो है उसका पिच है, तो द एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट इज डिनोटेड बाय, तो पिच माइनस डायमीटर डिवाइडेड बाय पिच। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा पिच माइनस डायमीटर डिवाइडेड बाय पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द होल डायमीटर फॉर ए बोल्ट ऑफ 25 mm डायमीटर। तो 25 mm के लिए जो होल डायमीटर हो जाएगा वो 28 mm हो जाएगा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ए फील्ड वेल्ड इज़,
फील्ड वेल्ड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना प्रोवाइड करते हैं, 1.25, 1.5, 1 या 2? तो आंसर विल बी 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिनिमम एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए बोल्ट ऑफ डायमीटर डी टू द नियरेस्ट एज ऑफ ए प्लेट इन द केस ऑफ फील्ड मशीन कट फ्लेम शॉन एंड द प्लेन एज इज? तो मशीन कट के लिए 1.5D होता है, हैंड कट के लिए 1.7D हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टैगर्ड पिच के अंदर पिच मे बी ऑफ डैश वैल्यू स्पेसिफाई फॉर नॉट स्टैगर्ड पिच. हम जो है स्टैगर्ड पिच के अंदर जो पिच है उसको 50% तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिंग फोर्स आर एडिशनल. पायरिंग फोर्स क्या है? शियरिंग फोर्स ऑन ए बोल्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग जॉइंट, बेंडिंग फोर्स ऑन ए बोल्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग जॉइंट, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए कनेक्टेड पार्ट लीडिंग टू द डिफॉर्मेशन. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. पायरिंग फोर्स जो है एक प्रकार का टेंसाइल फोर्स है और वो कनेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जनरेट होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ लाइट मोमेंट कनेक्शन इज, लाइट मोमेंट कनेक्शन का एग्जाम्पल क्या है? फ्रेम कनेक्शन, क्लिप एंगल कनेक्शन, अनस्टीफेन सीट कनेक्शन या स्प्लिट बीम कनेक्शन. तो आंसर विल बी क्लिप एंगल कनेक्शन इज लाइट मोमेंट कनेक्शन. टू ट्रांसफर लार्ज शियर फोर्स थ्रू द कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल. यदि हमें ज़्यादा शियर फोर्स को ट्रांसफ़र करना है तो हम जो है कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? क्लिप एंगल कनेक्शन, ब्रैकेट कनेक्शन, स्टीफन सीटेड कनेक्शन, फ्रेम कनेक्शन. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टीफन सीटेड कनेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फेलियर ऑफ ए सिंगल रिवेटेड जॉइंट. सिंगल रिवेटेड जॉइंट में कौन सा मोड ऑफ फेलियर नहीं है? टीयरिंग ऑफ प्लेट, सीयरिंग ऑफ प्लेट, सीयरिंग ऑफ रिवेट या क्रशिंग ऑफ द रिवेट. तो आंसर विल बी सीयरिंग ऑफ प्लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लास्टिक एनालिसिस कोलैप्स लोड फॉर ए फिक्स यूनिफॉर्म बीम सेंट्रल पॉइंट लोड इज. प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर बोला है यदि एक फिक्स बीम है और उसके ऊपर कोलैप्स लोड फॉर ए फिक्स यूनिफॉर्म बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, और सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका कोलैप्स लोड जो होगा वो 8 MPa/L हो जाता है. नेक्स्ट, मिनिमम पिच फॉर ए रिवेट सेल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम ऑफ द नॉमिनल डायमीटर. इन द स्टील प्लेट विद द बोल्टेड कनेक्शन द रप्चर ऑफ नेट सेक्शन इज ए मोड ऑफ फेलियर अंडर. नेट सेक्शन का जो रप्चर हो रहा है वो मोड ऑफ फेलियर किस में होगा? टेंशन में फेलियर होगा, कंप्रेशन में, फ्लेक्सर में या सीयर में? तो आंसर विल बी टेंशन फेलियर होगा. स्टैंडर्ड क्लियरेंस इन द डायमीटर एंड विड्थ ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर इज. तो 20 mm नॉमिनल इन डायमीटर एंड विड्थ ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर. यदि 20 mm जो है उसका डायमीटर है तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना प्रोवाइड करेंगे? 2 mm प्रोवाइड करेंगे. हमने अभी बात की थी आपको कि यदि 12 से 14 mm तक रहेगा तो 1 mm प्रोवाइड करेंगे, 16 से 24 होगा तो 2 mm प्रोवाइड करेंगे, और 24 से ग्रेटर होगा तो जो है 3 mm प्रोवाइड करेंगे. बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी एक्सियल टेंशन. बोल्ट की डिज़ाइन जो है वो एक्सियल टेंशन के लिए करते हैं.
If the D is the nominal diameter of the bolt, then minimum pitch of a bolt is 2.5 into D. Which of the following connection develop full moment capacity of connecting member and retain original angle between member under any joint rotation? इसमें से कौन सा कनेक्शन है जो डेवलप करता है फुल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए कनेक्टिंग मेंबर, मतलब जो कनेक्टिंग मेंबर रखे हैं उसमें मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी जनरेट हो चुकी है, एंड रिटेन द ओरिजिनल एंगल बिटवीन मेंबर अंडर एनी जॉइंट रोटेशन. ठीक है, तो दैट कनेक्शन इज नोन एज रिजिड कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 94, इफ बी इज द विड्थ ऑफ ए प्लेट जॉइंट by the diameter riveting and diameter D, the efficiency of the joint will be. B जो है वो प्लेट का विड्थ है, by diameter riveting of diameter D, the efficiency will be. तो क्या हो जाएगा, D minus D upon small b. ठीक है, विड्थ में से डायमीटर माइनस करके विड्थ से डिवाइड किया, वो एफिशियंसी मिल जाएगी. As per IS 800-2007, distance between center of a fastener shall not be less than dash in the bolted connection. तो इसी को तो हम लोग पिच बोलते हैं, should not be less than 2.5 times the nominal diameter of fastener. High strength steel used for bolt, nut and washer shall have a minimum tensile strength of. तो minimum tensile strength कितनी होनी चाहिए उसकी, 58 kg/m³. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने दो कनेक्शन कंप्लीट कर लिया. एक हमने डिस्कस किया आपके साथ रिवेटेड कनेक्शन के क्वेश्चन, दूसरा जो है बोल्टेड कनेक्शन के क्वेश्चन हमने इसमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है. आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है वीडियो को के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैंने स्टील स्ट्रक्चर के फर्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड किए हुए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जा के ज़रूर देखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.